दोस्तों वैसे क्या आपने कभी ये नोटिस करके देखा है कि आखिर हर इंडियंस को एक ही फोन खरीदने की इतनी ज्यादा इच्छा क्यों होती, फिर चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर हाई क्लास हो। उनसे एक बार आप सिंपली सवाल पूछना कि यार तू कौन सा फोन खरीदना चाहता है, तब उनके मन में एक ही जवाब होगा, आईफोन, चाहे वो कितना ही महंगा हो लेकिन लेना वही है। तो आखिर ऐसा क्या है आईफोन में जिसकी वजह से लोग इतने ज्यादा उसके दीवाने हो रखे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये देखा जा चुका है कि लोग सिर्फ एप्पल आईफोन को ही खरीदना चाहते हैं, ऐसा अनुभव रिटेलर के द्वारा भी बताया गया है। एक ऐसे देश के लिए जो वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बदनाम है, एप्पल उन्हीं के आउटलेट में से एक है। मुंबई स्थित स्मार्टफोन रिटेलर ने कहा है कि BNPL, नो कॉस्ट EMI और क्रेडिट कार्ड शॉप्स जैसे विकल्पों के साथ आईफोन के लिए दीवानगी सिर्फ 2000 रुपए से शुरू होने वाली फ्लैट छूट के साथ बढ़ रही है। वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट 2022 में आया है कि भारत के निचले स्तर के करीब 50% लोग करीब 53,610 रुपए कमाते हैं, जबकि उनमें से 10% लोग 11,66,520 रुपए कमाते हैं, जो उसका 20 गुना ज्यादा है। दोनों ही जगह इसका क्रेज बरकरार है। दरअसल आईफोन 5 को 2012 में 64GB बेस मॉडल के लिए 45,000 रुपए में लॉन्च किया गया था। 2022 तक फास्ट फॉरवर्ड आईफोन 14 के 128GB बेस मॉडल को 79,900 रुपए में लॉन्च किया गया था। साथ ही COVID-19 महामारी के प्रसार ने मांग में कमी देखी और एक पलटाव देखा, इसे बाय रिवेंज कहा गया, जिसमें प्रीमियम स्मार्टफोन की मांग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। दरअसल एप्पल ने जून तिमाही में भारत के अंदर अपना रेवेन्यू लगभग 2 गुना कर लिया है। WFH नीतियों ने इसके टैबलेट और लैपटॉप की बिक्री को भी बढ़ाने में इसकी मदद करी है। विश्लेषकों ने कहा है कि अप्रैल जून तिमाही के ब्रांड भारत में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेडविंड से काफी हद तक लचीला रहा है। वॉल्यूम के हिसाब से 3% और वैल्यू मार्केट शेयर के हिसाब से 12% पर कब्जा किया है। वैसे कोविड और मंदी की चिंता इसकी कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि प्रीमियम फोन की मांग 2022 में इसका रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। एप्पल ने समग्र प्रीमियम सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए रखा, यानी कि 30,000 रुपए से अधिक की लागत वाली इकाइयों, साथ ही अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट यानी कि 45,000 रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली इकाइयों दोनों में ही है। ये कोई रहस्य नहीं है कि भारत अभी भी लगभग 94% एंड्रॉइड iOS पर हावी है। iOS धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। काउंटर पॉइंट के एक रिसर्च शोध में पता चला है कि हमारा मानना है कि भारत में प्रीमियम इंजेक्शन का चलन बना रहेगा। पाठक इस बात की पुष्टि करते हैं कि आसानी से उपलब्ध होने वाली फाइनेंसिंग योजनाओं से सामर्थ्य बढ़ रही है और अधिक उपभोक्ताओं के लिए प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना संभव हो रहा है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म CMR द्वारा उपलब्ध कराए गए शुरुआती अनुमानों के अनुसार FY23 में एप्पल ने देश के अंदर 7 मिलियन से ज्यादा फोन और आधा मिलियन iPad बेचे। साथ ही आईफोन शिपमेंट में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुंबई और दिल्ली के अंदर फ्रीली आउटलेट्स के साथ ये उन लोगों की जरूरत को पूरा कर सकता है जो हाथ में महसूस करने के बाद फोन खरीदने में अधिक सहज महसूस करते हैं। एक मजबूत ऑफलाइन रणनीति होना एप्पल के लिए मायने रखता है और ये तकनीकी दिग्गज को भारत में अधिक बिक्री करने और मध्य स्तरीय उपयोगकर्ताओं को अपग्रेड करने के लिए राजी करने का मौका देता है। प्रत्येक एप्पल उत्पाद को अन्य एप्पल उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आईफोन पर कुछ सुविधाएं आईपैड को बेहतर बनाती है, कुछ आईपैड सुविधाएं मैकबुक को बेहतर बनाती है। इसी तरह सैमसंग, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने लंबे समय तक इसे हासिल करने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया। पिछले एक दशक के अंदर चुनिंदा अर्थशास्त्रियों ने आईफोन के विभिन्न पुनरावृत्तियों को वेबलैंड गुड के रूप में वर्गीकृत किया है। अमेरिकी अर्थशास्त्री थॉरस्टीन वेबलैंड ने 1899 में अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ द लेंजर क्लास में ये बताया था कि महंगे सामान उनकी कीमत के बावजूद नहीं बल्कि उनकी उच्च लागत के कारण खरीदे जाते हैं। इस प्रकार विशिष्ट उपभोग के सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। भारत में एक मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के प्रमुख शब्दों में ये बताया गया है कि जिसको आईफोन चाहिए वो तो लेकर ही रहेगा। इन बातों से आईफोन के महत्व और इसके प्रति लोगों के अंदर इसकी दीवानगी को समझा जा सकता है। कुल मिलाकर कहना यह है कि भारत के अंदर आईफोन के लिए खास दिलचस्पी देखी जा सकती है।